अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मल्टीफेरियस फन। आज मैं आपके साथ ये अरेबिक इंस्पायर्ड लुक शेयर करूंगी, जो कि एक बहुत ही बोल्ड लुक है। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। बहुत ही डार्क कलर्स हैं इसमें, तो इसको आप किसी भी वेडिंग फंक्शन पे भी वेयर कर सकते हैं और लेट नाइट फंक्शंस में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। सो चलिए अपने ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्क्वाश टेप यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं अपने आउटर कॉर्नर एंड के आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके अपने आईब्रो के एंड तक लगाऊंगी। यानी कि आपको इस एंगल में ये टेप जो है वो लगानी है। उसके बाद ये एक पीचिश ब्राउन शेड है, उसको यूज़ करूँगी और इसको अपने क्रीज पे लगाऊँगी। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और दोबारा इसको अपने क्रीज पे लगाऊंगी और पहले वाले जो शेड है उसके साथ मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड आप हमेशा जो है वो सर्कुलर मोशन में किया करें, इससे जो है वो बहुत अच्छे शेड्स जो है वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। इसके बाद ये मैं टी पिंक शेड ले रही हूँ और सेम ब्रश से उसको अपने आउटर कॉर्नर पे पहले अप्लाई करूँगी एंड देन अपने इनर कॉर्नर पे। इस तरह से अप्लाई करने के बाद दोबारा से सर्कुलर मोशन में इन दोनों को ब्लेंड करूँगी। अब मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और दोबारा से मैंने इसको इनर और आउटर कॉर्नर पे जो है वो लगाना है। ब्लेंड अभी मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टैप टैप वे में इसको कॉर्नर्स पे जो है वो लगा रही हूँ। इसको ब्लेंड मैं बाद में करूँगी एक और शेड के साथ। हल्का हल्का लगाना है, बहुत डार्क ब्लैक शेड भी आपने नहीं अप्लाई करना है। इस तरह से जस्ट इनर और आउटर कॉर्नर पे। अब मैं दोबारा से वही ब्राउन शेड ले रही हूँ जो मैंने पहले इस्तेमाल किया है और इसको ब्लैक शेड के साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये मैरून शेड ले रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा सा शेड है, और दोबारा से इसको कॉर्नर्स के पे ब्लेंड कर रही हूँ। आपने इनर और आउटर कॉर्नर को ज़्यादा जो है वो ब्लेंड करना है, दरमियान से इसको ज़्यादा से ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा टच देना है, क्योंकि ज़्यादा शेड आपके इनर और आउटर कॉर्नर पे होना चाहिए। ये इस तरह से दोबारा से मैं सर्कुलर मोशन में भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। अब मैं ये पिंकिश सिल्वर, एक बहुत अच्छा सा शेड है, वो अप्लाई करने लगी हूँ अपने लिड के बिल्कुल दरमियान में। आपको इस तरह से इस ब्रश के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, और आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको बिल्कुल सेंटर में आपने अप्लाई करना है। अब मैं जो मैंने टेप लगाई थी उसको मैं हटा रही हूँ
बिल्कुल आराम से आपने इस तरह से हटानी है ताकि आपके शेड्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और अब मैं अपने आँख का जो निचला हिस्सा है उसका मैं मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। सेम शेड्स ही ले रही हूँ जो कि हमने आँख के ऊपर यूज़ किए थे। सबसे पहले एक बिल्कुल लाइट सा पीच कलर है, उसको मैंने नीचे वाली आईलैशेस के पूरे मैंने अच्छे से जो है वो अप्लाई किया है। और अब मैं ये दोबारा से ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसको भी मैंने अपने पूरी आँख के नीचे जो है आईलैशेस के नीचे वो इस तरह से अप्लाई करना है। और अब मैं ये मैरूनिश शेड ले रही हूँ और इसको अपने ब्राउन कलर जो मैंने पहले लगाया उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये मैं ब्लैक आई पेंसिल अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और इसको भी मैं अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लाइनर लगाने लगी हूँ। मैं इस वक्त पेन आईलाइनर से लाइनर लगा रही हूँ। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जेल आईलाइनर या लिक्विड आईलाइनर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस लुक में बहुत ही बोल्ड जो है वो आईलाइनर आपने लगाना है। बहुत अच्छा साइज का विंग बनाना है बड़ा, और उसके बाद इसमें डबल लाइन ऐड करनी है। इनर कॉर्नर पे जो है वो आपने डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ से इस तरह से कर्व बनाना है। और अब मैं यहाँ पे डबल लाइन अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत बारीक सी होगी, बहुत थिक आपने अप्लाई नहीं करनी, नहीं तो इस तरह से आपका वो लुक नहीं आएगा जो इसमें क्रिएट करना है। अब मैं हाइलाइटर जो है वो अपनी ब्रो बोन पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी और उसके बाद हमारी फाइनल लुक ये रेडी हो चुकी है। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छे इसमें मैरूनिश और ब्लैक शेड भी आ रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।